एक मिडिल क्लास लड़के की पहली ड्रीम बाइक यही होती है तो भाई जो अपनी आर है इसमें जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं ना ये अपने को एलईडी मिल जाते हैं इसमें एक डिफरेंस है इसमें अपने को एलईडी सेटअप नहीं मिलता है और यहाँ पे देखो आपको ना पार्टिकुलर डेडिकेटेड यहाँ पे आर की बैजिंग मिल जाती है सीट में तो स्वागत है एक और नए वीडियो में तो आज हम करने वाले एक बहुत ही प्यारा सा रिव्यू और रिव्यू करने के लिए हमारे पास कौन सी बाइक्स होने वाले ये दोनों तो भाई इन दोनों गाड़ियों का इंट्रोडक्शन देने की मेरे को नहीं लगता कोई जरूरत है क्योंकि ये दोनों बाइक 150 सीसी की सेगमेंट में अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है कि एक मिडिल क्लास लड़के की पहली ड्रीम बाइक यही होती है तो भाई मैं बता देता हूं अभी हमारे साथ है ये आर ओन जो नॉर्मल एडिशन होता है इसमें ज्यादा कुछ भी फीचर्स नहीं होते हैं लेकिन ये है आर ओन फाइव एम मोटो जीपी एडिशन इसमें थोड़ा सा ना उस बाइक से ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और वो क्या मिलते हैं अपने को जो इसका स्पीडोमीटर होता है थोड़ा सा कलरफुल मिल जाता है और नॉर्मली एक दो फीचर्स और होते हैं तो डिटेल में आज इनका हम दोनों का रिव्यू करते हैं और डिफरेंस बताते हैं कि इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस क्या क्या है फ्रेंड से दोनों गाड़ियां कुछ ऐसी है मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा डिफरेंस है आप लोग सोच रहे हो कि इसमें मिरर ये मिरर आफ्टर मार्केट है ये वाली का स्टॉक ही है तो सामने से मेरे लगता को लगता कोई भी डिफरेंस है इसमें भी डीआरएल मिलते हैं इसमें भी डीआरएल मिलते हैं और इसमें प्रोजेक्टेड लाइट मिलती है जिनका थ्रो सर इसलिए बता रहा हूं इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा है मतलब देखा जाए तो प्राइस पॉइंट मैं बोल रहा हूँ बट ढाई लाख रुपए काफी ज्यादा हो जाते हैं वन फिफ्टी सीसी की सेगमेंट की बाइक के लिए बट फिर भी देखा जाए ओवरऑल गाड़ी फेमस है तो थोड़ा सा बनता है यार अभी इनके मैं डीआरएस आपको चला के दिखा देता हूं तो ये रहे दोनों के कुछ डीआरएस ये देख लो सेम है सामने से सा कोई डिफरेंस नहीं बस कलर का इसमें देख सकते हो देखा जाए तो V4 लो या फिर M लो दूर से कोई नहीं पहचान पाएगा सिर्फ कलर की जैसे पहचान पाते हैं कि हाँ ये दोनों गाड़ी ऐसी ये V4 है और ये M है क्योंकि कलर का ना लिमिटेड स्टॉक ही है इधर तो सामने ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब बताता हूँ कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या बोल सकते हैं जो मुझे लगता है तो भाई जो अपनी है इसमें जो साइड इंडिकेटर्स होते हैं ना ये अपने को एलईडी मिल जाते हैं जो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और लुक भी काफी ज्यादा गाड़ी का एनहेंस कर देता है तो मैं आपको इसका जला के दिखा देता हूँ इंडिकेटर्स और ये देख लो जो यहाँ पे अपनी वी है V4 में भी सेम आता है यही फीचर्स बट इसमें एक डिफरेंस है इसमें अपने को एलईडी सेटअप नहीं मिलता है साइड इंडिकेटर्स का तो ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप में लगता है कि ढाई लाख रुपए देने के बाद भी अपने को ये एलईडी नहीं मिलता है बट आप अगर चाहो ना तो ये थोड़ा आफ्टर मार्केट वाले ये मिरर लगा दो तो इसमें भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं तो थोड़ा गाड़ी का जो फ्रंट से लुक होता है ना वो बढ़ जाता है और पर्सनली बताऊँ तो इस बाइक में अच्छे लगते हैं एक्चुअली ये ना है ना जेड एक्स टेन आर वाले मिरर्स बोलते हैं इनको तो अच्छे लगते हैं बट मेरी वाली बाइक में क्या स्टॉक लगा हुआ है इसमें कोई भी ऐसा सामने से सा आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं लगा है तो स्टॉक में भी ओवरऑल अगर आप एम लेते तो आपको एम भी देखा जाए तो अच्छी लगेगी तो अभी बात करते हैं भाई दोनों गाड़ी के रियल लुक का दोनों गाड़ी का जो रियल लुक है ना एकदम सेम है बिल्कुल सिमिलर है कोई भी डिफरेंस नहीं है बट आपको थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है भाई इसमें तो टेल टाइडी नहीं है तो भाई मैंने टेल टाइडी निकलवा दिए मैंने नॉर्मली ये वाला लगवाया थोड़ा सा इलीगल काम हो गया मेरा वाला और इसमें नॉर्मली भाई की टेल टाइडी लगी हुई है पीछे भी देख लो हेलोजन है तो हेलोजन में एक बार पीछे से भी दिला के दिखा देता हूँ दोनों गाड़ियों का और दोनों गाड़ियों को जलने में कुछ ऐसा लगता है तो मैंने ये थोड़ा आफ्टर मार्केट साइड इंडिकेटर्स लगवाए हैं तो ये इनका लुक ना काफी अच्छा हो जाता है रात के टाइम पे और देखा जाए तो दिन में पता भी नहीं चलता कि भाई इंडिकेटर्स कहाँ लगे हुए हैं ओवरऑल दोनों सेम है बट अपने को यहाँ पे जो बैक लाइट होती है इसमें भी एलईडी सेटअप मिल जाता है तो लुक काफी अच्छा लगता है और इधर भी सेम वही है यार पर्सनली ना इस बाइक की ना मेरे को ना रियल लाइट बहुत ज्यादा पसंद है पीछे जो शार्पनेस आती है है ना बाइक का का लुक माइंड ब्लोइंग इसका टायर अगर दोनों में लगभग लगभग सेम आता है। तो देखा यार गाड़ी में ना फिजिकल कोई भी डिफरेंस नहीं है और इंजन वाइज भी ना बिल्कुल सेम है तो अब बात करते हैं दोनों बाइक का जो साइड का लुक है कैसा है देखा जाए तो ये भी भाई देख लो सेम ही है मतलब इसमें भी थोड़ा सा वैसे ही लुक आता है बस वही नॉर्मल डिफरेंस इंडिकेटर्स का हो गया ये आ गया और कुछ भी नहीं है बस अपने को थोड़ा सा स्टीकरिंग इसमें डिफरेंट मिल जाती है इसमें देखो आप अलग से स्टीकरिंग मिलती है बट इसमें थोड़ा सा आर ओन फाइव एम ऐसी करके कुछ साइड से लुक है कलर का डिफरेंस जो यहाँ का ब्लू कलर है वो भी काफी ज्यादा फेमस है और मैं पर्सनली बता रहा हूँ दूर से ना यहाँ का जो ये रेसिंग ब्लू है ना काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है बस इसमें थोड़ा सा ना इसमें प्योर ब्लू कर दिया अभी के लिए बट अगर इसमें ब्लू और ब्लैक का टेक्सचर रखता ना तो भाई बहुत प्यारी लगती है इसका जो ये ग्लॉसी पैनल आता है बट उसमें ग्लॉसी पैनल नहीं आता है देखा जाए तो उसमें पूरा मैट आता है और कौन सा मैट आता है ब्लू मैट आता है इसमें थोड़ा ग्लॉसी आता है तो लुक थोड़ा साइड से इसका ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पैसे भी ज्यादा लगे हैं और इसका कलर भी बहुत प्यारा है अभी भाई बात करते हैं सबसे मेजर डिफरेंस की और वो मेजर डिफरेंस कौन सा है इस बाइक में वो नहीं मिलता और इस बाइक में मिलता है जो प्राइस के हिसाब से वर्थ इट लगता है क्योंकि देखा जाए तो तीन लाख रुपए तक की बाइक्स में भी ना वो चीज नहीं मिलती जो इसमें मिलती है और वो चीज क्या है क्विक शिफ्टर क्विक शिफ्टर सीरियसली बताऊं बहुत काम की चीज है खास करके आप जब हाईवे में स्पीडिंग कर रहे होते हो ना तो बहुत हेल्प करती है आपको गियर चेंज करने के लिए जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बताता हूँ क्विक शिफ्टर क्या होता है अगर आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो तो बिना क्लच के भी आप गियर चेंज कर सकते हो अब कुछ सूरदास बोलेंगे कि भाई 100 सीसी की बाइक में मैं तो ऐसे चेंज कर देता हूं हमें क्यूक शिफ्टर की जरूरत नहीं होती है बट भाई इंजन में जोर पड़ता है और अगर आप ऐसे करोगे झटके मारती है बट इसमें ऐसा नहीं होता आप थ्रोटल लेके हो चेंज करो, चेंज करो चेंज करो चेंज करो ये होता है बट भाई क्या है ना कि जो आर एन मॉडल है ना उसमें एक दो कलर में एक दो वेरियंट में क्यूक शिफ्टर नहीं आता बट इस ब्लू वाली में पार्टिकुलर आता है जो इसका ये ब्लू एडिशन है ना इसमें क्विक शिफ्टर देता है बट इसके बाद जो आता है एक रेड कलर का आता है और एक जो मैट ब्लैक में आता है उसमें क्विक शिफ्टर नहीं देता है एम में एक ये मॉडल आता है और एक आता है मॉन्स्टर एडिशन का जिनमें दोनों में क्विक शिफ्टर मिलता है तो अभी यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के मीटर कंसोल की तो देखो मैं इसको ऑन करता हूं और ऑन करने पे आप देखो ये डिजिटल मिलता है बट कलरफुल नहीं मिलता तो ये दो देखने में थोड़ा सा ना ओल्ड स्कूल टाइप का हो गया मतलब आउटडेटेड सा लगने लगा है और उतना अभी अच्छा लगता है क्योंकि एक टाइम बाद यार इतना पैसा आप डाले हो तो आप सोचते हो कि यार थोड़ा सा मैं और डाल देता तो मेरे को थोड़ा सा देखने में अच्छा मिल जाता और अच्छा कैसा मैं बताता हूँ इस वाली बाइक में इस वाली बाइक में सबसे अच्छा यही लगता है कि एक बार आप ना बाइक से बोर हो जाओगे बट इस चीज़ से नहीं होने वाले हो क्योंकि क्या होता है ना ये थोड़ा फील कराते आपने थोड़ा महंगी गाड़ी ली है और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है तो अभी मैं आपको इस गाड़ी का मीटर कंसोल दिखाता हूं और इस गाड़ी का मीटर कंसोल देखो ये पूरा कलरफुल मिलता है और इसमें बहुत सारे मोड्स भी आते हैं पे आप देख सकते हो ये पूरा सिलेक्ट करने के लिए हर चीज है यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है डिस्प्ले की सेटिंग्स लैप, टी और बहुत सारे सेटिंग कंट्रोल मिल जाते हैं तो ये मेरे को बोर नहीं करता सीरियसली बताऊं और यहां पे आप देख सकते हो बटन है ना आप ये ऑडियो हो गया ठीक ना ये पूरा चेंज कर सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं कि कितना फ्यूल टेम्परेचर है बाकी सारी चीज़ें आई थिंक सो so के उसमें मिलते हैं बट इसमें थोड़ा सा कलरफुल मिल जाता तो मैं इतने दिन से बाइक लेके हूँ मैंने बहुत सारी राइड्स की हैं बहुत दिन चला बट मेरे को ना कभी गाड़ी में बोर नहीं लगा क्योंकि भाई बाइक में बैठूंगा तो मेरे सामने क्या दिखेगा मीटर दिखेगा और कुछ पार्ट्स दिखेंगे तो मीटर थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि दिन के टाइम पर पूरा वाइट होता है और अभी देखो आप ये शाम हो चुकी है ना यूरा ब्लैक इश दिखने लगा है तो ब्लैक इफेक्ट आता है थोड़ा लुक देता है रात के टाइम पे खास करके जब आप आप राइड करते हो 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 यही डिफरेंस है, मेजर मेजर इसमें रुपए कम देते हो और 20 देते और ज़्यादा तो क्या डिफरेंस आपको मिल जाता है अभी एक और मेजर डिफरेंस है आप यहाँ पे जो ये देख सकते ना, की जो कैप होते है ना, आप देख लो, आपको सिल्वर और प्लेन मिलता है तो थोड़ा सा ना उतना अच्छा फील नहीं आता बट इस बाइक में देख लो आप इसमें प्रॉपर ये ब्लू कलर का टेक्सचर मिलता है और यहाँ पे ना आर वन फाइव एम की बैजिंग भी मिल जाती है तो ये देखने में काफी प्यारा लगता है ये थोड़ा अच्छा होता है इस बाइक में एक और प्लस पॉइंट है क्योंकि आप इसकी सीट देख लो इसमें थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टेक्सचर मिलता है और हल्की सी ये स्मूथ होती है उसके कंपेरिजन में और यहाँ पे देखो आपको ना पार्टिकुलर डेडिकेटेड यहाँ पे आर वन फाइव एम की बैजिंग मिल जाती है सीट में जो काफी अच्छा लुक देता है और इसमें वो चीज नहीं मिलती इसमें अपने को प्लेन सीट मिल जाती है जो देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड होती है और यहाँ पे अपने को आर एन फाइव एम की बैजिंग या फिर आर एन फाइव वी फोर की कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है यही है इस इन दोनों में डिफरेंस और एक यहाँ पे आप देखो ये थोड़ी सी मेरे को लगता है पुरानी भी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने को ना प्रॉपर इस बटन में स्टॉप रन और एक किल स्विच में आपको प्रॉपर लिखा हुआ मिलता था बट इस वाली बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें अभी साइड में आने लगा है सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ कि यहाँ पे आप किल स्विच को ऑफ ऑन और यहाँ पे इंजन स्टार्ट के लिए एक और देखा जाए तो डिफरेंस है इसके मीटर में ना प्रॉपर यहाँ पे यमहा की बैजिंग आती है जो ऑन करने पे हल्की सी ग्लो करती है देखने में अभी भी ऐसी लग रही है ठीक है ना लेकिन अगर मैं इसको ऑन करूँगा ना तो यहाँ पे प्रॉपर ये इल्यूमिनेट होती है रात के टाइम पे तो थोड़ा सा इसमें ये अच्छा लगता है देखने में बट इसमें यार कोई भी यमहाँ की बैजिंग नहीं दी हुई देखा जाए तो ये नॉर्मल प्लेन है और थोड़ा सा महंगी भी लगती है और ऐसा देखने में लगता है कि हाँ यार कोई महंगी बाइक का ना मीटर पार्टिकुलर लगा हुआ है तो ओवरऑल भाई यही दोनों बाइक में डिफरेंस है और सच बताओ ना इन दोनों बाइक्स में कोई भी ऐसा सच डिफरेंस नहीं है बीस के रेंज में देखा जाए तो बीस सस्ती पड़ती है और ये बीस हजार महंगी पड़ती है दोनों बाइक में वी, वी मिलता ही है तो अब क्या ही चाहिए यार डेढ़ सौ की सेगमेंट में देखा जाए तो पर्सनली हर मिडिल क्लास लड़की की फेवरेट बाइक होती है और पहली ड्रीम बाइक होती है और ये बताऊ ना ये प्रूफ भी करती है कि ये क्यों है लोग क्यों पसंद है क्योंकि यार देखा जाए तो इसका एक पहला लुक और चलो ठीक है डेढ़ सौ की है बट ओवरऑल जो पावर ये देती है डेढ़ सौ में माइंड ब्लोविंग आप इसको लेके निकल जाओ कॉलेज वगैरह जाना हुआ गेड़ी मारने जाना हुआ लोकल चलाना हुआ तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है नॉर्मल आप इनमें मॉडिफिकेशन करा लो और प्यारी लगने वाली है तो ओवरऑल यही कुछ डिफरेंस है दोनों का अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट में जरूर से बताना कैसा लगा वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके शेयर कर देना अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तो तक के लिए बाय बाय